बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे कुछ दिवाली से रिलेटेड क्राफ्ट। और ये क्राफ्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपके घर पे ही अवेलेबल होता है, जैसे कि कार्डबोर्ड है या जूट रोप है या घर पे कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल है। एंड कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने घर का जितना भी कीमती सामान जो उनको कबाड़ लगता है, तो एक क्राफ्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती सामान होता है वो फेंक देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें समेट के रखते हैं और कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एंड आज उसी कबाड़ को यूज़ करके हम लोग कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव ट्राई करेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्राफ्ट कैसा लगा। एंड ऐसे धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड शीट लेंगे, उसमें कंपास की हेल्प से हम एक स्मॉल और उसी से रिलेट करके थोड़ा सा बिग साइज़ का सर्कल बनाएंगे। जैसे मैं बना रही हूँ आपको भी सेम ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले छोटा सर्कल बनाएंगे और फिर उसी कंपास को थोड़ा सा बड़ा साइज़ में करके उसका दूसरा पोर्शन बनाएंगे और जो सेंटर का पार्ट होगा ना उसको भी हम यूज़ करेंगे। एंड अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। नाइफ़ बहुत ही केयरफुली यूज़ करिएगा, पेरेंट की हेल्प ले लीजिएगा एंड बहुत ही डेंजर होता है, ठीक है। सो हम एक टिंसल शीट लेंगे, गोल्डन ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। और उस पर हम ऐसे ही सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसको कट कर लेते हैं एंड इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इसको अच्छे से पेस्ट होने के बाद इसको पलट कर इसमें जगह जगह पे कट करेंगे जिससे हम इजीली इसको राउंड शेप में पेस्ट कर सकें। सो मैंने ग्लू गन यूज़ किया है, आप इसमें फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इजीली पेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसका बैक साइड भी अच्छे से फिल कर लेंगे। ये पीछे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो वाइट शीट को कट करके हम उस पर पेस्ट कर लेते हैं। एंड हमारे पास ये प्रिंटेड शीट थी, जो ग्लिटरी वाली एक प्रिंटेड शीट आती है, इजीली आपको क्राफ्ट स्टोर में मिल जाएगी। तो उस पर मैंने उसकी स्ट्रिप्स कट करके उसको मैंने इस पर पेस्ट किया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फिर मैंने बैंगल्स लिया है, पुरानी घर पे जो भी बैंगल्स हो वो आप बैंगल्स लेके आप इसको कम से कम मैंने 3 यूज़ किया है एंड इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको ग्लिटर शीट पे पहले हम मेज़रमेंट कर लेंगे किधर से मेरा फुल साइज़ आ रहा है राउंड शेप में। हम उसी तरफ से ही कट करेंगे। इसको हम जल्दी जल्दी कट कर लेंगे एंड फिर हम इसको बैंगल्स पे पेस्ट कर लेंगे एंड इसको फिर हम अपने क्राफ्ट पे पेस्ट करेंगे। एंड अब सबसे बढ़िया मेरा फेवरेट काम आ गया है, वो है फ्लावर्स बनाना। मुझे रोज़ फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे रेड रोजेस बहुत अच्छे लगते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन से किस कलर के फ्लावर्स ज़्यादा पसंद हैं। एंड कटिंग में सबसे इजी होते हैं और फटाफट से ये बन जाते हैं। इसको सेम ऐसे ही आप लोगों को कट करना है और इसको बहुत ही छोटे पार्ट्स इसको फोल्ड करते रहना है, राउंड 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 करते रहना है। बस का यही प्रोसेस है कि इसको बस घुमाते जाओ, रोल 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 और फिर ये आपका रोज़ तैयार हो जाएगा। और इसको जो हमारा थिक बेस होगा उस पर इसको हम पेस्ट कर लेंगे। ये हमारे रोज़ रेडी है, अब हम इसको एक एक करके अपनी क्राफ्ट पे पेस्ट कर लेंगे। अब हम लीव्स कट करेंगे। लीव्स कट करने के लिए मैंने ग्रीन शीट ली है, फ्लोरोसेंट शीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। मैंने इस टाइप की ग्रीन लीफ कट करी है, आप किसी भी टाइप की ग्रीन लीफ कट कर सकते हो, इसमें आप डार्क ग्रीन का भी यूज़ कर सकते हो। ग्लू गन की हेल्प से मैं 1 by 1 लीव्स ऐड करूँगी इसमें और टडा, ये रेडी हो गया है। एंड सेंटर में आप किसी भी टाइप का दिया इसमें रख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ, क्राफ्ट नंबर 2। इसमें मैंने सीडी लिया है और वो बहुत ही पुरानी सीडी मेरे पास रखी हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। मैंने इसके ऊपर जूट रोप को अच्छे से इसको लपेट लपेट के इसको पूरा कवर कर दिया है
एंड यहाँ पे मैंने बीड्स रख तो दिए है, बट इसका क्या इस्तेमाल करना है मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मैंने बैंगल को इसको टेप कर दिया है तो ज़्यादा ही ईजिली पेस्ट हो गया है। एंड इसके ऊपर आप कलरफुल कोई सा भी रिबन यूज़ कर सकते हो, मैंने पिंक कलर यूज़ किया हुआ है। एंड आप इसमें कोई भी डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी ब्राइट कलर यूज़ कर सकते हो। एंड इसको पूरे बैंगल को पूरे अच्छे से कवर कर देना है रिबन से। एंड इसको मैंने ग्लू गन की हेल्प से बिल्कुल सेंटर में पेस्ट कर लेना है, एंड ताकि हम इसमें कोई सा भी दिया इसमें रख सकें सेंटर में। एंड इसमें कुछ बीड्स ऐड्स कर सकते हैं आप, कोई डिफरेंट कलर के भी बीड्स ऐड्स कर सकते हैं जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो। एंड फटाफट से इसको जल्दी से कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसके ऊपर बनाने जा रहे हैं रोज़। आप लोग यही सोच रहे हो पहले भी क्राफ्ट में रोज़, नेक्स्ट वाले क्राफ्ट में भी रोज़, बट आप लोगों को नहीं पता रोज़ेस कितने प्यारे होते हैं। इस रोज़ को मैं थोड़ा सा ग्लिटरी बनाऊंगी, जो थोड़ा सा अलग लगेगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा। सो सेम प्रोसीजर है, इसको मैं थोड़ा सा कटिंग में थोड़ी सी चेंजेस ला रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा लहर 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 वाली कटिंग है ये। एंड कटिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से हम लोग राउंड 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 करते रहेंगे जिससे हमारा फ्लावर्स जल्दी से रेडी हो जाए। एंड फ्लावर्स कंप्लीट होने के बाद इसको वन बाय वन करके पास में ही बिल्कुल पेस्ट करेंगे जिससे ये बहुत ही अच्छा लगे, एक बंच लगे। और मैंने लीव्स के लिए मैंने 1 इंच के स्ट्रिप को मैंने फोल्ड किया है, जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको भी ऐसे ही करना है। जिधर की तरफ फोल्ड होता है उधर की तरफ कट नहीं करते हैं, जिधर की तरफ ओपन होता है उधर साइड ही कट करना है। तो मैंने लीव्स इसमें ड्रॉ कर लिए हैं पहले से ही, सो जैसे मैं कट कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है, इसको आपको ऐसे ही कट करना है। तड़ा, हमारी लीव्स रेडी हो गई हैं और अब इसको हम अच्छे से ओपन कर लेंगे। एंड ग्लू गन की हेल्प से आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो। एंड चलते हैं क्राफ्ट नंबर 3। सो इसके लिए मैंने A4 शीट्स ली हैं ब्राइट कलर की, ऑरेंज एंड येलो। एंड 10 सेंटीमीटर्स के मैंने कार्डबोर्ड कट कर लिए हैं। एंड मैंने इसको स्क्वायर शेप में जो इसके कॉर्नर से वो कट कर लें जिससे ईजिली इसको हम फोल्ड कर सकें। तो इसको मैंने पेस्ट कर लिया है, सेकेंड भी हम ऐसे ही कट करेंगे। जो कार्डबोर्ड शीट है उससे थोड़े से बड़े साइज़ में हमें शीट को कट करना है। एंड दोनों ही को अच्छे से कट करने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे एंड इसको एक के ऊपर एक रख के इस टाइप से पेस्ट कर लेंगे। एंड आप अपने तरीके से इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। और मैं इसको और भी ज़्यादा बढ़िया लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर दिया बना रही हूँ। दिया की ड्राइंग मैंने एक वाइट शीट पर करनी है। एंड दिया को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने इसको मल्टी कलर से कलर किया है। एंड आप लोग इसको अपनी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हो, आप इसमें मल्टी कलर यूज़ कर सकते हो, कुछ ग्लिटर ऐड कर सकते हो, आप जैसे भी इसको क्रिएटिव बनाना चाहो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो फिर इसकी मैं एक स्टिकर टाइप की एक कटिंग निकाल लूँगी और इसको मैं उसी वॉल हैंगिंग पे पेस्ट कर लूँगी। एंड इसमें कुछ मैंने डिज़ाइन ऐड करी हैं, आप ये डिज़ाइन बना सकते हो या आप कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हो। एंड टडा, एंड ये वॉल हैंगिंग कंप्लीट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। एंड वीडियो पसंद
आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे लिए कितने सपोर्टिव हैं, मुझे कितना मोटिवेट करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।